गरुण पुराण में बताया गया है कि जिनका अंतिम संस्कार उचित प्रकार से नहीं होता है वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण भी जीवात्मा भटकता रहता है और जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वहाँ उसकी मौजूदगी बनी रहती है और ऐसी जगह पर नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जो कई तरह की अनहोनी घटनाओं को अंजाम देकर ये संकेत देती है कि ये जगह सामान्य नहीं है। ऐसी ही कुछ जगह उत्तराखंड में भी है। लोग कहते हैं यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि ये रूहों का सबसे बड़ा बसेरा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग यहाँ जाने से डरते जरूर हैं। वहीं अब बात करते हैं लोहाघाट की। उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद है लोहाघाट। यहाँ एक बंगला है जिसे एबी के नाम से जाना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं और इसकी वजह है कि इस जगह का शापित होना। दरअसल ये एक हॉस्पिटल हुआ करता था। यहाँ के एक चिकित्सक ने बताया कि वो बता सकता है कि जिसकी मृत्यु जिस दिन और किस समय होगी। ये हॉस्पिटल में आए हर नए व्यक्ति से मिलता और उसकी भविष्यवाणी करता था। भविष्यवाणी के अनुसार लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस भविष्यवाणी के पीछे एक राज भी छुपा था। दरअसल हॉस्पिटल में एक कमरा बना हुआ था जिसे मुक्ति कोठरी के नाम से जाना जाता था। भविष्यवाणी के अनुसार मृत्यु से कुछ समय पहले मरने वाले को इस कक्ष में पहुंचा दिया जाता था जहां व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। बहुत से लोगों का कहना है कि भविष्यवाणी करने वाले को कुछ पता नहीं था। ये व्यक्ति अपनी बात साबित करने के लिए मुक्ति कोठरी में ले जाकर लोगों को मार देता था। मरे हुए लोगों की रूहों के कारण यहाँ नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। उत्तराखंड का एक और सबसे बुधा स्थान स्क्वाय होटल है जो मसूरी में स्थित है। 121 कमरों वाला ये होटल मनहूस माना जाता है, जिसकी वजह ये मानी जाती है कि इस होटल में एक ब्रिटिश महिला के रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जिस डॉक्टर ने महिला का पोस्टमार्टम किया था और जो उसकी चित्रकारी किया करता था उसकी भी हत्या हो गई थी। ये तीनों हत्याएं आज तक रहस्यमय हैं। कहते हैं ब्रिटिश महिला की आत्मा हर रात होटल के कमरे में भटकती है और अपने कातिल तलाश करती है। ये होटल कई बार खरीदा और बेचा गया, लेकिन इसकी मनहूसियत ने सभी को बर्बाद कर दिया। ऐसी अद्भुत खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।